नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम चुनावी हलचल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 41 के पूर्व पार्षद डॉक्टर रेहान सिद्दीकी जी। चलिए हम उनसे जानते हैं, हर बार की तरह इस बार फिर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ना ही है। चलिए हम जानते हैं किन मुद्दों को लेकर इस वर्ष वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो बीते 15 महीनों से अभी जो है पार्षद पद खाली हैं, तो काफ़ी गैप होने के बाद अब किस तरह पार्टी को आगे बढ़ाते हुए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रेहान जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल कार्यक्रम चुनावी हलचल में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद KKR न्यूज़ का, उन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेहान जी, जैसे कि आप वार्ड 41 में पूर्व पार्षद रह चुके हैं, आप पार्षद रह चुके हैं, आपने सारे काम देखे हैं, वहीं अब काफ़ी समय हो गया, बीत गया है जो पार्षद पद खाली है, तो आप कितना चुनौतीपूर्वक लेते हैं इसमें चुनाव? देखिए, मुझे तो सिर्फ 15 महीने का समय मिला, मगर हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि मेरे पार्षद कार्यकाल रहने के पहले से ही मैं लगातार 13 साल से माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय विश्वास सारंग जी से जुड़े हुए थे, और उनके माध्यम से हमने नरेला विधानसभा के हर मुस्लिम बस्ती में, वार्ड नंबर 41 की हम बात नहीं कर रहे हैं, हर मुस्लिम बस्ती में काम कराने की कोशिश करी है। अगर मंदिर के सामने का अगर रोड बना है तो माननीय मंत्री जी के द्वारा मस्जिद के पास का भी रोड बनाया गया है, और ख़ासतौर से हमारा जो क्षेत्र है ऐशबाग क्षेत्र, लगातार वहाँ 30 सालों से कांग्रेस के ही पार्षद रहे हैं, और वहाँ पर महापौर भी हमारे कांग्रेस के रहे हैं, विधायक भी रहे हैं इससे पूर्व में, मगर ऐशबाग क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, लगता ही नहीं था भोपाल शहर की राजधानी के अंदर ऐशबाग क्षेत्र आता है। ऐशबाग क्षेत्र में उमरादुल्ला बाग, बाग प्रतापजा, बाग दिलगुशा, बिस्मिल्ला कॉलोनी, सिकंदर कुली, हाता मनगसा, वहाँ डेवलप के नाम पर कोई भी काम नहीं था, नाली बनी नहीं थी, रोड थे नहीं, सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम था नहीं, और बाग दिलगुशा में, तो उसके बावजूद हम लोग ने यहाँ पर आने के बाद माननीय मंत्री जी के सहयोग से क्षेत्र में करीबन 7 से 8 करोड़ रुपए का ऐशबाग क्षेत्र में कार्य हो चुका है लगभग 13 सालों में। वहीं ये जो क्षेत्र है ऐशबाग, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र कहलाता है, वहीं अगर हम देखते हैं वहाँ विकास के नाम पे कुछ भी अभी से दिखाई नहीं देता है, नहीं चाहे हम बात करें फरतअब्जा की या फिर हम बात करें ऐशबाग स्टेडियम के आसपास। देखिए, 30 सालों में, हमने आपसे बताया, 30 सालों में लगातार कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस के नेता होने के बाद वहाँ कोई कार्य नहीं हुआ था, मगर अब आप जाके देखिए, आप कैसे आप ऐसे बोल सकते हैं। ऐशबाग क्षेत्र के चारों साइड जो डामरीकरण हुआ है वो माननीय मंत्री जी के द्वारा कराया गया। आज बाग प्रतापजा का मेन रोड हम लोग ने बनवाया, बाग प्रतापजा गेट के अंदर का रोड हम लोग ने बनवाया, बाग प्रतापजा नुजूल कॉलोनी और सना किराना स्टोर के आसपास औकाफ कॉलोनी में नालियों को जो चैनलाइजेशन हुआ है, नालियाँ जो बनी, नाली नहीं थी वहाँ कभी, नाली हम लोग ने बनवाई है। सोनिया गांधी कॉलोनी में 40 लाख रुपए का सीवेज ड्रेनेज सिस्टम हमने बनाया। बाग दिलकुशा में तीनों पार्क का निर्माण हम लोग ने कराया। बाग दिलकुशा अंत्योदय नगर में 52 लाख रुपए से रोड का निर्माण कर माननीय मंत्री जी के द्वारा हुआ। बाग दिलकुशा में नाली का और मेन नाले का, बाग दिलकुशा अंत्योदय नगर और अफकार कॉलोनी बिस्मिल्ला कॉलोनी वार्ड नंबर 41 में 3 बस्ती ऐसी है जहाँ ज़रा से पानी गिरता था, 15 मिनट के पानी में बाढ़ की स्थिति बन जाती थी, मगर आज वहाँ पर करोड़ों की लागत से नाला बन के तैयार है, और वहाँ नाले का जो पानी था सिर्फ एक ही जगह से निकलता था, पूरे बाग दिलकुशा का पानी और पूरे बोबदा पुल का पानी, अशोक नगर का पानी हो गया, बाग दिलकुशा में अंदर एंट्री करता था, उसके कारण वर्त वो पानी वहाँ बहाव की स्थिति नहीं, निकासी की स्थिति नहीं रहती थी, और नाला था नहीं, तो उसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बन जाती थी, जिसकी वजह से लोगों के घरों में तबाही होती थी हर बारिश में। मगर आज के मौजूदा हालात में अब ये है कि नाला, आप देखिए, करोड़ों की लागत से नाला बना है, और वहाँ बाग दिलकुशा का पानी पहले एक जगह से निकलता था, आज हमने बिल्कुल बाग दिलकुशा का पानी 7 जगह से निकाल दिया है। हर गली का जो पानी है वो अपने ने अलग अलग चैनलाइजेशन करके हर गली का पानी उसमें एल लगा के, नाले के अंदर एल लगा के, ताकि पानी रिटर्न बैक ना मारे और पानी आसानी से निकल जाए, तो 7 जगह से बाग दिलकुशा बाग का पानी निकल रहा है। वहीं इससे पहले भी हमारे द्वारा खबर दिखाई गई थी जहाँ फरतअब्जा में एक सड़क जो काफ़ी टाइम से बनी नहीं थी, वहीं आपके द्वारा उसको बनवाया गया, तो क्या कुछ उसमें रहा, क्या लोगों की लोकप्रियता मिल रही है उस सड़क को बनवाने के बाद? देखिए, जैसा कि हमने आपसे बोला कि आदमी अगर ईमानदारी से काम करे तो उसको लोकप्रियता पब्लिक दे नहीं दे, ऊपर वाले की तरफ से मिलती है, बस शर्त यह है कि ईमानदारी से काम होना चाहिए। तो हमने 13 सालों में ईमानदारी से बगैर लालच के काम करा है। पार्षद आदमी रहे ना रहे, आदमी के अंदर जज्बा रहे काम करने का, तो काम करता है तो फिर उसको कहीं ना कहीं फल मिलता है इस चीज़ का। और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, हमारे यहाँ बहुत कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते हैं, जब चुनाव करीब आता है तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, और जब 1.5 साल की उनकी सरकार रही तो 10 फीट का कहीं पूरे नेता, जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, अलग अलग खेमे के बटे हुए नेता हैं, दिव्य सिंह खेमा अलग है, पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी का खेमा अलग है, पचौरी जी का खेमा अलग है, बड़े बड़े नेताओं का खेमा है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, गप्पासी लपासी करने वाली बातें करने वाले नेता हैं, मगर 10 फीट का टुकड़ा किसी नेता ने वहाँ नहीं बनवाया। जो भी करा है माननीय विश्वास सारंग जी ने करा है, और हम लोग ने के माध्यम से काम हुआ है। वहीं जब बात करें चुनाव की, तो पिछले टाइम जो चुनाव हुए थे उसमें पार्षद अकबर बन के वहाँ पे लोगों के बीच में आए थे, वहीं कुछ टाइम के बाद
जब उनकी कुछ कमियां सामने नजर आई उनको निरस्त करके हटा दिया, फिर आपको लाया गया, तो आपने किस तरह उस वार्ड को चुनौतीपूर्वक लिया, किस तरह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जो लोग आज आपको इतना वहाँ पर पसंद कर रहे हैं? देखिए, हमने आपसे बताया कि पिछले 30 सालों से सिर्फ वहाँ पर आवाम को छला गया है, फाइलें बनी हैं, फाइलों में काम हुआ है, मैं ज़मीन पर आके काम नहीं हो पाया। तो वो अगर 30 सालों से लगातार काम हुआ होता तो आज वार्ड नंबर 41 एक नंबर पे होता। आज हमने इस कंडीशन में वार्ड नंबर 41 को लाके खड़ा कर दिया, 80% काम हमारे वहाँ पर हो चुके हैं। 15 महीने में से 3.5 महीने में एक लोकसभा की आचार संहिता चली गई, 2.5 महीने विधानसभा की आचार संहिता गई, हमें सिर्फ 11 महीने काम करने के लिए मिले। 11 महीने में हमने 2.5 से 3 करोड़ रुपये काम स्वीकृत करवाए, उसमें माननीय महापौर जी से भी पैसा लेके आए, माननीय कमिश्नर जी से भी लेके आए, माननीय विधायक जी से भी लेके आए, और पार्षद निधि की जो निधि थी, इससे पहले जो पार्षद निधि थी पूरी लेप्स हो जाती थी, उन लोगों के कार्यकाल में आप ITI लगाइएगा वही नहीं काम कराए जाते थे, या तो कहीं ना कहीं ठेकेदार से उनकी मनमुटाव होता था कमीशन के ओर लेके, कहीं होता था साहब हम 50% की पार्टनरशिप करेंगे। यहाँ हमने पहला मकसद रखा कमीशन का, इसका हमने घूसखोरी ख़त्म करके हमने सबसे पहला मकसद रखा कि हमारे क्षेत्र में विकास हो। हम एक एक रुपये लेके आए, एक एक रुपया मैंने बचाया, अलग अलग डिपार्ट से हम निधि लेके आए, और आज अलग शुक्र है कि वार्ड नंबर 41 में करीबन 2 करोड़ के आसपास के काम हो चुके हैं, और 80 लाख रुपए के काम हमारे अभी स्वीकृत पड़े हुए हैं। वो भी हमारा प्रयास है धीरे धीरे करके काम हो जाए। कोरोना कार्यकाल के द्वारा थोड़ा से सरकार की स्थिति सही नहीं रही, तो ठेकेदारों का भुगतान सही से नहीं हो पा रहा, तो उस वजह से भी कुछ काम रुके हुए हैं, मगर हमारी कोशिश है कि जल्दी जल्दी वो काम भी शुरू हो। काफ़ी वक्त से अभी चुनाव रुके हुए हैं, नगर निकाय चुनाव, तो अब जो स्थिति सामने बन रही है इसको आप कितना चुनौतीपूर्वक लेते हैं? अगर आप पार्षद के पद पर आते हैं वापस दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो आप उसमें कितना चुनौतीपूर्वक लेते हैं वार्ड 41 को खासकर? देखिए, चुनौती तो काम करने वाले के लिए सदैव बनी रहती है, और अब ये तो पब्लिक के ऊपर है। मेरा जो फ़र्ज था मैंने ईमानदारी से अपना काम करा है। अब आवाम, अगर ये तो आवाम के हाथ में है कि उसको विकास चाहिए या जो पहले 30 सालों चला आ रहा था, ये तो उनका फैसला, तो उनको करना है, काम मुझे करना है। अगर दोबारा उन लोग को कोई ऐसा मौका मिला, पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया या आवाम ने मौका दिया, तो इंशाल्लाह 5 साल अगर मिलते हैं, जब 15 महीने भी इतने काम हो सकते हैं, तो 5 साल में इतना काम हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का एक नंबर का वार्ड नंबर 41 कहलाएगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी बहुत से लोग दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। वहीं हम बात करें तो जो पूर्व में पार्षद रहे वहाँ पर अकबर खान, तो उनके जो बेटे हैं अहमद, वो भी तैयारी कर रहे हैं ऐसा सुनने में आ रहा है, तो क्या लगता है क्या उनसे कोई फाइट हो सकती है क्या आपके चुनाव में? देखिए, अगर कांग्रेस के लोग मुस्लिम क्षेत्रों में आके सिर्फ इस्लाम खतरे में आ जाएगा या ये आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये गुमराह करने की अगर बात नहीं करें तो कोई वो नहीं। ईमानदारी से अगर आपको दम है तो ईमानदारी से विकास के नाम पे या व्यक्तिगत छवि के नाम पे चुनाव लड़े ना आप आगे। वहीं और भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र जो हैं जहाँ पे भाजपा के पार्षद हैं, लोगों का कहना है पार्षद आके वोट तो ले गए मगर काम के नाम पे तो पार्षद आगे नहीं आते हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, हमारे लोगों की शिकायत बनी हुई है। नहीं है, हम आपको एक चीज़ की रोशनी डाल दें, भोपाल शहर के अंदर 85 वार्ड हैं, 85 वार्ड में 52-54 वार्ड पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, और 30-35 वार्डों में भोपाल शहर में पुराने शहर में कांग्रेस के पार्षद हैं। आप कांग्रेस के पार्षदों के जो एरिया है, आप उत्तर विधानसभा देख लें, मध्य विधानसभा, जहांगीरबाद देख लीजिए, लक्ष्मी टाकिस देख लीजिए, काजी कैंप देख लीजिए, जहाँ पर आपको आपसे 12 टाकिस एरिया देख लीजिए, यहाँ के पार्षदों की स्थिति देख लीजिए, वहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है? आज BJP के जहाँ भी पार्षद हैं वहाँ ईमानदारी से काम हो रहा है, काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम करता है, और यहाँ उनको मालूम है कांग्रेस के पार्षदों को, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के आकाओं को कि मुसलमान जज्बा तो भेजाता है, उसको मालूम है कि 5 साल में हमें जा जाएंगे। पब्लिक के बीच में 5 साल नहीं जाते वो, ये 5 साल में एक बार जाते हैं, चुनाव में वोट मांगने जाते हैं, उनको 5 साल में वो पब्लिक दे देती है। वो विकास के लिए उनकी, देखिए आप, गंदगी भरी हुई है, नालियाँ ठसी हुई हैं, और अब तो हमारे यहाँ जाके देख लीजिए आप आज की डेट में मौजूदा हालात में कि जो बस से बदतर हालात थे, गंदगी का अंबार लगा हुआ था, पूर्व पार्षदों की साठगांठ थी, 35-40 लेबर काम करती थी, 10 लेबर काम कर रही, 30 लेबर के पैसे खा रहे हैं। आज के मौजूदा हालात में हमने हमारे यहाँ तो गंदगी का अंबार लगा हुआ, तो घर जगह जगह पे घूड़े बने हुए थे, आज हमने घूड़े ख़त्म करे हैं। आज मतलब ट्राई साइकिल चल रही है, मैजिक चल रही है, डोर टू डोर सर्विस बेहतर हो रही है, और नाले से पहले पहले हमने पूरी जो बाढ़ की स्थिति आ जाती थी, 7 जगह से पानी निकलने के बावजूद भी पूरा नाले से लेके, नाली से लेके जो बहाव वाले, जो बड़ा भराव वाले जो एरिया थे, वहाँ पर हमने काफ़ी दिनों से सफाई कराने की कोशिश करी है, और सफाई हुई भी है। करीबन आज की डेट में मौजूदा हालत में बारिश अगर आती है तो हम लोग मुस्तैदी से निपटने के लिए तैयार हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप वार्ड 41 के लोगों को? हिमाचल के माध्यम से कहीं ना कहीं उनमें भी एक भ्रम बना हुआ भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती है, तो आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे हिमाचल के माध्यम से अपने वार्ड 41 के लोगों को?
देखिए, धर्म के की अगर बात करी जाए तो धर्म के चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों का धर्म तो एक ही है भाई। हिंदुत्व की छवि रखने वाली दोनों पार्टी हैं, उनका धर्म तो दोनों का एक ही है। अगर झुकाव किसी का हो, चाहे महेंद्र सिंह चौहान जी हो चाहे विश्वास भाई हो, अगर झुकाव उनका होगा तो फिर जितना राम मंदिर बनने की खुशी इनको है उतनी उनको भी रहेगी। मगर ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अगर मुस्लिम विरोधी होती तो आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का है। मगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के की सरकार पूरे प्रदेशों में चल रही है, राज्यों में चल रही है, मगर अभी तक किसी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुँचा। हमारी गलती है कि हम भारतीय जनता पार्टी हमारे करीब आ रही है मगर हम उसको दूर भाग रहे हैं। और लाजमी बात है कि अगर बाप भी अगर बेटे को पालता है या परवरिश करता है तो उसको ये लगता है बेटा जवान होकर उसका कुछ सहारा बनेगा, कुछ साथ देगा। भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं का फ़ायदा मुसलमान लेता है। आज उज्वला योजना के अंतर्गत मैंने अपने वार्ड में कम 1,500 लोगों को सिलेंडर बांटे। आज BPL कार्ड हमारे सैकड़ों तादाद में लोग फ़ायदा ले रहे हैं। आज आयुष्मान कार्ड, आज मौजूदा हालात में इस टाइम पे बड़ा भाई छोटे भाई को 10,000 रुपये उधार नहीं दे रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान के माध्यम से 5,00,000 रुपये तक का इलाज फ्री हो रहा है, उसमें नहीं देखा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तो जब चुनाव करीब आता है तो हम बढ़ जाते हैं इसमें। तो ये हम मुसलमानों भाइयों से खासतौर से अपील कर रहे हैं, घुमराइए तो ना आए, और नफ़ा नुकसान करने वाली ताकत तो अल्लाह की है, और हमारे डरने से डराने से कुछ होना नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर नरेंद्र मोदी जी को मसलत करा है तो, और देश में काम सेंट्रल गवर्नमेंट जो कार्य कर रही है, हमारी हर चीज़ में भागीदारी है और शिवराज जी भी हर चीज़ में हमारी भागीदारी रख रहे हैं। तो विकास को देखते हुए, अच्छे व्यक्ति विशेष को देखते हुए काम करें और पार्टी विशेष को ना देखें। देखने के बाद फिर जो विकास कार्य जो कर रहा है, जैसे हमारे क्षेत्र में माननीय विश्वास सारंग जी के द्वारा बगैर भेदभाव के काम करा जा रहा है। अभी आयशा मस्जिद है वहाँ पर, हमारे यहाँ वार्ड नंबर 38 में कुछ लोग वहाँ के मोहल्ले के लोग गए और आयशा मस्जिद के आसपास के जो मस्जिद थी वहाँ रोड के लिए बोला, तो वहाँ पर रोड का काम चल रहा है। ऐसे ही बाग प्रतवजा में भी लगातार विकास हो रहा है, मुरादुल्लाबाग में हो रहा है, करोत पे रसूलिया मस्जिद के आसपास पूरी विधानसभा में उन्होंने कोई बगैर भेदभाव के काम करा है। तो हम भी मुसलमान भाइयों से अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, करने वाली ताकत अल्लाह की है। आप खुल के आएँ, दमदारी से आएँ, साथ दें। जितना हम दूर भागेंगे तो लाजमी बात है फिर सामने वाले हमसे दिनों में नफाकियाँ होंगी, नफरत होगी, नफरत को ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, और साथ देंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा और आपकी आवाम को फ़ायदा होगा यकीनन। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे हमारे डॉक्टर रेहान सिद्दीकी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए। शुक्रिया। KKR परिवार आशा करता है कि डॉक्टर रेहान एक बार फिर पार्षद पद के रूप में वार्ड 41 में आए, लोग के सेवा में आगे से आगे रहें। देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम चुनावी हलचल। इसी तरह की और भी शख्सियतों से आपको मिलाते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहेंगे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।